ये है वो, आप देखिएगा तो चलते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है महाशिवरात्रि का पर्व और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी YT फैमिली को और पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से जय भोले शंकर की और सभी खुशियां मनाएं। और आज करने जा रहा हूं मैं फिर से एक बार और शिव ढांक की चढ़ाई। तो आज मेरे साथ कोई और भी है तो उससे भी मिलाऊंगा मैं आपको। तो ज़्यादा देरी न करते दोस्तों, करते हैं सफ़र की शुरुआत। दोस्तों पानी ही नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहीं दो बार आ गया हूँ मैं नीचे डाउन में। 1 किलोमीटर जाने के बाद बोलता है बंदा भाई ऊपर है यार पीने का पानी, क्या ही बोले। दोस्तों पहले चलाने जा रहा है ऊपर से, अब अभी तो हमने बहुत ऊपर जाना है, कम से कम 5-1 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से। देखते हैं कहाँ जैसे मिलता है, चढ़ाई अभी काफ़ी है दोस्तों यहाँ से, तो देखते हैं क्या बनता है। फाइनली मिल चुका है हमें वाटर का स्त्रोत्र और अब यहाँ से भरेंगे। बाय गॉड इतना भागा हूँ मैं यहाँ से कम 1 किलोमीटर नीचे जाके आए। आप भोलेनाथ क्या परीक्षा ले रहे थे हमारे से कोई पता नहीं। अब फटाफट से भर लेते हैं पानी दोस्तों, फिर यहाँ से चढ़ाई असली शुरुआत यहाँ से होती है शिव ढांक के लिए। सो बने रहिएगा। पानी वगैरह पी लिया है, अब यहाँ से असली शुरुआत होती है आगे की। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों ये है भांजा मेरा, नमस्कार करते सभी को। तो चलते हैं सभी और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और दोस्तों ये जाता है अंतिम धाम की तरफ और रास्ता ऊपर की तरफ, और इस साइड से हम आए थे सामने की तरफ से, और हम बढ़ेंगे दोस्तों अब यहाँ से इस वाले रास्ते से ऊपर की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट से। दोस्तों बरसों पुराना पेड़, दोस्तों अभी हमने आधा सफ़र भी पार नहीं किया है और बच चुके हैं 12 हमारे। देखते हैं अभी तो काफ़ी दिन में तो गर्मी का टाइम हो गया, काफ़ी हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और एक भाई जुड़े हैं हमारे साथ यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, और भांजे के बच चुके हैं 12। तो देखते हैं दोस्तों जो भी रहेगा सफ़र में आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों एक पड़ाव हमने पार कर लिया है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बाकी यहाँ से ले लेगा थोड़ा सा, फिर मिलते हैं आपको आगे। काफ़ी ऊपर पहाड़ी पर आने के बाद एक छोटा सा गांव लगा हमें, गांव का एक ही मकान है और बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी जगह पे। और रास्ते में दिखे मुझे बहुत ही प्यारे बैलों की जोड़ी, बहुत ही शानदार जगह। और एक जोड़ी यहाँ पे भी है। अब दोस्तों काफ़ी चढ़ाई हमने पार कर ली है, अब यहाँ से थोड़ा सीधा सीधा ही रास्ता। काफ़ी लोग आगे पहुँच चुके हैं दोस्तों, और भांजा साहब की हालत ख़राब होते हुए थकान हो गई कितनी। बाकी आगे लोग चले। तो दोस्तों हालत हो गई ख़राब, काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो फाइनली सीधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। तो सीधा मिलते हैं आपको शिव ढांक की तरफ, आइए मेरे साथ। जन्नत में पहुंच गए हैं, जन्नत में। भुट्टो का अंदर लेते हुए
पब्लिक देख सकते हैं आप चारों तरफ। पीले थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ मिल रहा था प्रसाद भोले शंकर जी का, तो बस इसको ग्रहण करेंगे फटाफट से। जंगलों के बीच में बहुत ही आनंद आ रहा है, और इसको खा के फिर दर्शन कराते हैं आपको गुफा के। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रश होने की वजह से वीडियो शूट करने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने ओल्ड वीडियो की क्लिप डाली है, तो मैनेज कीजिएगा। तो ये वो शिव गुफा है जय भोले शंकर की, जिस गुफा के बारे में बताना चाह रहा था आपको, जिस गुफा में डमरू बजता है वो ये है गुफा दोस्तों। डमरू बजने वाला चट्टान ये देखें आप, है ना कुदरत का करिश्मा। और कहीं भी आप हाथ लगा लोगे कहीं नहीं बजेगा, नहीं इधर उधर कहीं भी हाथ लगा लो कहीं नहीं बजेगा, लेकिन एक ही ये चट्टान है, ये शिव की महिमा बोले या शिव शक्ति ही बोले जो ये बज रही है। देखो आवाज़ सुन रहे होंगे आप। इसी जानकारी दे दूँ इन गुफाओं के बारे में, ये पड़ जाता है सोलन से बड़ोग हाइट पर है ये, बड़ोग हाइट पर निंगाली से जो टॉप, कहीं किसी से भी आप पूछ लेगा भाई शिव ढाक कहाँ है, वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे, तो आप आराम से यहाँ चलकर आ सकते हैं। अब मैं आया हूँ सर्वाइव कर दूसरे रास्तों से, और जो आसान सा रास्ता है वो निंगाली ब्रोग निंगाली से है, और चलकर आप आराम से पहुँच सकते हो। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर के पास, और मैं वीडियो का दोस्तों यहीं करता हूँ एंडिंग। तो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी खुश रहें मस्त रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। तो सभी को जय दोस्तों, जय भोले शंकर की।